Hey guys and welcome back to another vlog. नहीं, ट्यूटोरियल वीडियो काइंड ऑफ. तो आज हम देखते हैं तीन मजेदार रील्स आइडिया जो कि मैंने खुद पर्सनली ट्राई किया एंड मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए. मेरे को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला आइडिया सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और मेरा पर्सनल फेवरेट है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो. अभी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे बिकॉज आई काइंड ऑफ लव मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस. हमारा फर्स्ट आइडिया दैट इज नाइट टू डे ट्रांजिशन. मेरी बालकनी से काफी अच्छा व्यू आ जाता है क्योंकि ये टॉप फ्लोर है एंड आसपास ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स है नहीं, तो यहाँ से अच्छा खासा व्यू आ जाता है. आप चाहें तो आउटडोर्स भी जा सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको बालकनी से अपना व्यू बताता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मैं क्रिएट क्या करना चाहता हूँ. तो ऐसा कुछ मेरी बालकनी से व्यू आता है एंड रील प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करके भी बनाई जा सकती है एक्सपोजर को कंट्रोल करके, लेकिन मैं यहाँ पर फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम रील्स फ़ोन से ही बनती है. इस वीडियो में एडिट करने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं, तो आपको सीधा इंस्टाग्राम में जाना है. तो यहाँ पर रील सेक्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना वीडियो और इसको आपको कर देना है ऐड. ऐड करने के बाद प्रीव्यू में जाना है एंड देन ऑडियो पे सिलेक्ट करके कैमरा ऑडियो पूरा ज़ीरो कर देना है क्योंकि अनवांटेड नॉइज हमें नहीं चाहिए. एंड राइट साइड में यहाँ ऐड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर दबाना है एंड आपको एक सूटेबल ऑडियो चूज़ करके उसमें लगाना है. तो मैं यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर ऑडियो चूज़ कर रहा हूँ एंड इस पर दबा देना है आपको डन. इसके बाद आपकी रील हो जाएगी रेडी एंड इसका आउटपुट कुछ ऐसे निकल कर आएगा. अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आइडिया की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी ऑडियो के साथ इजीली सिंक हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल और सही लगता है. मैंने ये वीडियो बनाने के लिए आईपैड पे एडिट किया है लेकिन आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है मोबाइल पे भी करना. बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, अनएडिटेड और एडिटेड पिक्चर्स लेंगे एंड उसको डिफरेंट तरीके से रिवील करेंगे जो कि ऑडियो के साथ काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा. चलो फटाफट देखते हैं कैसे करते हैं. यार मैंने यहाँ पे 6 इमेजेस सिलेक्ट कर लिए एंड उसमें से 3 हैं नॉन एडिटेड एंड उसी की एडिटेड इमेजेस बाकी के 3 हैं. तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, जो भी एडिटेड वाली इमेज है उसको सिलेक्ट करके अपर लेयर में डालने वाला हूँ. वो कैसे करते हैं, लास्ट में टूल बार रहेगा स्क्रीन के एंड में, उस टूल बार में लास्ट ऑप्शन होता है फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड दबा के वो फोटो जो भी सिलेक्टेड है अपर वाली लेयर में चली जाती है. अब तीनों फोटोज़ एडजस्ट करने के बाद हमें करना है मास्किंग. उसके लिए हम एक एक फ़ोटो सिलेक्ट करके उस पर की फ्रेम बनाएंगे एंड देन मास्क सिलेक्ट करके लीनियर वाला मोड सिलेक्ट करेंगे. आप अपने हिसाब से मास्किंग को कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर नीचे डायगनली जैसा भी चाहिए. मैं यहाँ पर वर्टिकल कर रहा हूँ एंड मुझे मेरी फ़ोटो राइट साइड से रिवील करनी है. अब इस एडिटेड फ़ोटो को रिवील करने के लिए मैं सबसे पहले तो जो की फ्रेम क्रिएट किया है उसमें मास्किंग लाइन को सबसे राइट में लेके जाऊंगा और फिर मैं अपनी मास्क लाइन आगे पीछे अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन करूंगा. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी दूसरा एंड तीसरा की फ्रेम भी बन गया है. जैसे मैं टाइमलाइन आगे मूव कर रहा हूँ एंड मास्क लाइन मूव कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग VN अपनी की फ्रेम बना रहा है. वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बस आपको अपनी फ़ोटोज़ को आपके दिमाग में जैसा रिवील करने का आइडिया है वैसे मूव करना है. तो आप जैसे आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट पूरा फोटो मैंने रिवील कर ही दिया है, बस लास्ट के 1-2 की फ्रेम बचे आई गेस. तो यार ये वाली फोटो की तो बात हो गई, लेकिन मैं अभी फटाफट से बाकी दोनों फोटोज का भी कर लेता हूँ एंड देन आपको फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ. बेसिकली इसमें होगा क्या कि जिस हिसाब से मैंने मास्क लाइन एडजस्ट की है उस हिसाब से फोटो रिवील होगी.
सो गाइज अभी तीनों भी फोटोज का एडिटिंग हो गया है, बस हमें अभी उनके बीच ट्रांजिशन डालना है। उसके लिए हम प्लस का साइन दबा के जो भी ट्रांजिशन आपको सही लगे आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंट ट्राई करके देख रहा, ऐसे ट्राई करके देख सकते, जो भी आपको पसंद आएगा वो आप लगा देना। मैं यहाँ पे ब्लैक अप्लाई कर रहा हूँ दोनों फोटोज़ में एंड उसका आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है। तो अब इसी आइडिया का एक सिंपलर वर्जन देखते हैं, जिसमें कि बस दो फोटो सिलेक्ट करनी है, एक एडिटेड और एक अनएडिटेड। तो अब मुझे जो एडिटेड पिक्चर है उसका ऑडियो सिलेक्ट होगी, उसमें जो बीट चेंज होगा उस बीट पे मुझे अपना एडिटेड फोटो दिखाना है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये वाला एक सैम्पल ऑडियो है जिसको मैं सिलेक्ट करके लगा रहा हूँ एंड इसमें सिंपली देखो मैंने जैसे ऑडियो लगाया एंड प्ले करके देख रहा हूँ, तो इसमें जो बीट चेंज हो रहा है उसी पे मेरी एडिटेड फोटो आ रही है। तो इसमें हम बस सिंपली एक जूम वाला ट्रांजिशन लगा के छोड़ देंगे। आई थिंक आपको ये वाली रील आइडिया भी ट्राई करनी चाहिए, ये दिखने में काफी ज्यादा कूल लगती है। तो अब हो गए ये दोनों आइडियाज, अब बढ़ते हैं तीसरी आइडिया की तरफ जो कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव और मेरी पर्सनल फेवरेट है। जैसे आप ये वाली रील देख रहे हो, इसमें मैंने क्या किया, तीन अलग अलग वीडियोस एक साथ कंबाइन करके एक रील बनाई है जिसमें कि कलर ग्रेडिंग का दिखाया हुआ है। देखा है कि रॉ वीडियो फुटेज कैसी है और उसको कलर ग्रेड करने के बाद वो ज्यादा अच्छी दिखती है। आइडिया के लिए जरूरी नहीं है कि आप बस कलर ग्रेडिंग का ही दिखाओ, कुछ अलग भी दिखा सकते हो। जैसे कुछ तीन अलग अलग सिनेमैटिक शॉट्स ले लिए या ऐसे कुछ आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया हो तो वो भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि कलर ग्रेडिंग का ही हो। इसको करना काफी सिंपल है, बस उसके पहले आपको तीन अलग अलग वीडियो शॉर्ट करनी पड़ेगी। जैसे अभी कलर ग्रेडिंग का बात कर लेते हैं कि तो इसमें आपको बेसिकली पहले तीन वीडियोस अपने सिलेक्ट करने होंगे जो भी आपको अच्छे लगे, और इन तीनों वीडियोस को आपको रेडी करना होगा कि जिस बीट पे चेंज होता है उस बीट पे आपको कलर ग्रेडिंग दिखाना है। पहले रॉ वाला पार्ट आएगा, देन कलर ग्रेडेड वाला पार्ट है, एंड देन जब तीनों वीडियोस रेडी हो जाएंगे रॉ वर्सेस कलर ग्रेडेड, तो सिंपली आपको बस तीनों वीडियोस को कंबाइन करके ये वाली रील जैसे मैंने बनाई है वैसे बनाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलो फटाफट देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया ये तीन वीडियोस जो हमें शॉर्ट कर लेनी है वो मैंने कर लिए, एंड ये देख रहे हो एक दो तीन ये वाली वीडियोस है, और जो मेन वीडियो मैं बीच में रखना चाहता हूँ वो वाली फर्स्ट है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाली कर ली, नेक्स्ट दबा दिया, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर वीडियो आ गई है। लास्ट वाला पार्ट डिलीट कर देंगे एंड देन ऊपर वाली जो लेयर है टैप टू ऐड स्टिकर वाली, उसमें दबा के स्टॉक्स में दबाना है। एंड सबसे पहले तो आपको ये जो ओरिजिनल दिखा रहा है इसको 16:9 से 9:16 करना होगा, तो फिर ऐसे वीडियो आएगी। और जो ऊपर वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे ऊपर ला के रख देना है। और एक बार ऐड करने के लिए ऊपर वाले लेयर के लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है उसमें दबा लो एंड फिर अगेन स्टॉक्स में दबा के तीसरी वाली वीडियो सिलेक्ट कर लो। तीसरी वाली सिलेक्ट करके नीचे एडजस्ट कर लो एंड दैट्स इट। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली वीडियो बनाते वक्त ही उसमें ऑडियो डाल दिया था, इसलिए मेरे इसमें ऑडियो पहले से आ रहा है, लेकिन आपको इंस्टाग्राम में ऐड करना होगा, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। जैसे कि आप लोग ने देखा बिल्कुल बीट पे मेरा कलर ग्रेडिंग वाला चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो वो बस आपको ध्यान देना है। तो गाइस वो था थर्ड और लास्ट आइडिया, आई एम श्योर आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ओवरऑल वीडियो कैसे लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताओ। इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी क्योंकि आई पर्सनली लव मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। अब नया नया इंटरेस्ट ग्रो हुआ है तो अपन ऐसी वीडियोज़ बनाएंगे, और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, मुझे ये वीडियो बनाने में पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज बीच में एग्जाम्स भी थी एंड बहुत कुछ कुछ चल रहा था। एनीवेज करते इस वाली वीडियो को ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।